हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज़ यूज़ुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आप मेरे बाल से देख ही सकते हो, इतना ज़्यादा हवा चल रही है ना, इसीलिए मैं स्पेशली बैल्कनी में आई हूँ, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा है ना हवा। सुबह से आज बिल्कुल क्लाउडी वेदर है और बहुत मीठी सी हवा चल रही है और बहुत ज़्यादा बादल भी छाई है। आई डोंट नो बारिश होगा कि नहीं, वो तो नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा बादल छाई है। आज बिल्कुल भी धूप नहीं है, पूरा अंधेरा अंधेरा सा होके रखा है सुबह से, और इतनी मीठी हवा चल रही है कि हम लोग आज सुबह से चाय वगैरह, चाय बिस्किट सब कुछ हम लोग बैल्कनी में बैठ के ही चाय बिस्किट हम लोग ले रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था, अभी भी इवन इतनी अच्छी हवा चल रही है, लेकिन सौरभ बोल रहा है कि बारिश नहीं होगा। मुझे ना बहुत मन था, इतने दिन से बारिश नहीं देखे हैं, बारिश कैसा होता है भूल ही गए हैं हम लोग। लास्ट नोएडा में कब बारिश हुई थी मुझे याद भी नहीं है। तो सुबह से मैं सोच रही थी कि ठीक है चलो बारिश होगी आज, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, छत पे जाके बारिश में भीगूंगी, लेकिन हवा इतनी अच्छी चल रही है ना, और इतनी ज़ोर की हवा चल रही है कि सौरभ बोल रहा है कि बारिश और नहीं होगा। इतने हवा की वजह से बारिश यानी बादल को क्या बोलते हैं उसको, मतलब अलग कर देते हैं ना, जिसकी वजह से बादल जम नहीं पाते, फिर बारिश नहीं होता है। तो लग रहा है कि बारिश और होगा नहीं, लेकिन अभी भी अंधेरा अंधेरा सा ही है, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक क्लाउड अभी तक है। सो मैं होप कर रही हूँ कि बारिश हो जाए, मतलब मैं प्रे कर रही हूँ कि अगर एनी हाउ बारिश हो जाए। एनीवेज अभी ब्रेकफास्ट करने वाले हैं सुबह के टाइम पे, तो ब्रेकफास्ट आज भी सौरभ ही बनाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं स्प्राउट्स में क्या मज़ा आ गया है। वो बोल रहा है कि लंच भी स्किप करके यानी चावल स्किप करके अभी वो स्प्राउट्स ही लेगा कुछ दिन से। तो मैं तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि स्प्राउट्स मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कल मैं ज़बरदस्ती खाई हूँ, लेकिन आज फिर से वो बना रहे हैं। पापा को पसंद आया है, मम्मी को भी पसंद आया है, इवन मुझे पसंद तो आया है, लेकिन मैं पसंद नहीं करती हूँ। टेस्ट वाइज अगर मैं बोलूँ तो ठीक है चलो, मतलब खाने के लायक है, क्योंकि टमाटर प्याज हरी मिर्ची ये सब कुछ डलता है ना उसमें, तो थोड़ा सा फिर भी मैं खा लूँगी, लेकिन टेस्ट उसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो सौरभ अभी बना रहे हैं ब्रेकफास्ट स्प्राउट सैलड, तो मैं आप लोगों को रेसिपी शेयर कर देती हूँ, और आप लोग घर पे बना के ज़रूर खाना, बहुत हेल्दी है। आई नो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, लेकिन मुझे बहुत बेकार लगता है। यहाँ पे स्प्राउट्स हैं, इसको आधा ले लेना है, पूरा तो खा नहीं पाएंगे, आधा स्प्राउट्स इसमें लेना है। और यहाँ पे जो बाकी के सब्जी वगैरह है यानी सैलेड के, आधा खीरा है, प्याज आधा जाएगा, टमाटर भी इसमें आधा ही है, और नींबू जाएगा आधा से थोड़ा सा कम, और एक हरी मिर्च। इन सारे सैलेड को अच्छे से चॉप कर लेना है, चॉप करके स्प्राउट्स में डाल देना है। अब इसमें डाल देना है थोड़ी सी ब्लैक सॉल्ट, अगर आप चाहो तो ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो, लेकिन इसमें हरी मिर्ची ऑलरेडी है तो इसलिए ब्लैक सॉल्ट ही सिर्फ डाल रहे हैं, पेपर नहीं डाल रहे हैं। अब नींबू तो इसमें पहले ही डाल दिया था, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप अगर चाहो तो नींबू के बदले में इसमें खट्टा दही भी डाल सकते हो, वो भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये मिक्स कर लिया है और हमारा स्प्राउट सैलड रेडी। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है और अभी मैं जाऊंगी नहाने, लेकिन नहाने से पहले मैं सोच रही हूँ एज़ यूजुअल खाना बना लेती हूँ, क्योंकि पापा का आज इंजेक्शन लगने वाला है, यानी डॉक्टर ने जो बोला था ना कि 6 हफ्ते 6 इंजेक्शन्स लगने वाले हैं इम्यूनिटी ब्लडर की इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, तो
उसमें से एक तो भैया के वहाँ से लास्ट वीक पापा करके ही आए थे, और अभी भी 5 इंजेक्शंस बाकी है जिसमें से एक आज होने वाला है। तो सौरभ यहाँ से पापा को लेके जाएगा और भैया भी वहाँ से आएंगे, तो दोनों मिलके पापा का इंजेक्शन करवा के फिर पापा को वापस हमारे यहीं पे वापस लेके आ जाएंगे। और अभी बाकी जितने सारे इंजेक्शंस बाकी है ना, यानी 5 इंजेक्शंस सारे हमारे घर से ही होगा। तो ये है, ये ना इंजेक्शन थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि मतलब आप लोग समझ ही सकते हो कि ये इंजेक्शन ना डॉक्टर ने भी बोला है कि ये थोड़ा सा मतलब पेन तो नहीं होगा, लेकिन इसका ना थोड़ा सा कभी कभी रिएक्शन हो जाता है काफ़ी पेशेंट्स को, मतलब ना 80% पेशेंट्स को कुछ होता नहीं है, सब लोग नॉर्मली अच्छे से इंजेक्शन लेके चले जाते हैं, घर वापस आ जाते हैं। लेकिन 20% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पेशेंट्स को कुछ रिएक्शंस होने का चांसेस होता है, तो इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं ना 1 to 2 hours एडमिट रखते हैं पेशेंट को हॉस्पिटल में इंजेक्शन पुश करने के बाद। तो तब तक अगर कुछ रिएक्शन नहीं हुआ तो वेल एंड गुड, 1-2 घंटे एडमिट रखने के बाद छोड़ देते हैं। और अगर एनी हाउ अगर कुछ इंजेक्शन की वजह से कुछ रिएक्शन हुआ तो उस टाइम पे ना फिर एडमिट रखते हैं ना, तो डॉक्टर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं ताकि कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो बॉडी में तो डॉक्टर वहाँ पे प्रेजेंट रह के संभाल सके। तो ये रीज़न है, तो इसलिए आज का मतलब ये वाला इंजेक्शन थोड़ा सा टेंशन देने वाला है, जो कि पापा खुद भी टेंशन कर रहे हैं, मम्मी भी कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, चलो, फर्स्ट इंजेक्शन पापा का ऑलरेडी जब हो गया था उस टाइम पे पापा का कुछ रिएक्शन वगैरह कुछ हुआ नहीं था, तो आई होप कि इस बार भी ऐसा कुछ नहीं होगा। होप फॉर द बेस्ट एंड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऐसा कुछ होगा नहीं। तो जल्दी जल्दी लंच वंच बना के मैं नहा लूँगी, नहा के पापा निकल जाएंगे, पापा और सौरभ पहले खाना खा लेंगे, खाना खा के वो लोग निकल जाएंगे, बाद में मैं मम्मी खाना बनाऊँगी। मैं अभी बालकनी में बात करने के लिए आई हूँ क्योंकि वहाँ पे पापा किसी से फ़ोन पे बात कर रहे बहुत ज़ोर ज़ोर से, और सौरभ का भी कुछ इमरजेंसी कुछ कॉल आया है, तो इसलिए सौरभ भी वहाँ पे फ़ोन पे बात कर रहा है। मम्मी किचन में है, मैंने आलू पोस्तो चढ़ाया है, तो मम्मी को मैंने बोला है कि आप आलू पोस्तो गैस से मतलब उतार लो, यानी कटोरी में डाल दो आप, फिर मैं आके दाल चढ़ाऊँगी। तो इसलिए मम्मी अभी किचन में ही है। तो हवा अभी भी बहुत अच्छी चल रही है, मतलब सुबह से इतनी अच्छा हवा चल रही है, अभी भी एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। सौरभ भी सही बोल रहा था कि इतना ज़्यादा हवा है तो बारिश नहीं होने वाला है, तो इसलिए बारिश तो हुआ नहीं, लेकिन हाँ अभी भी थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा क्लाउडी सा होके रखा है, देखते हैं अगर शाम तक बारिश हो जाए तो वेल एंड गुड। तो मैं अभी भी बैल्कनी में ही हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना हवा में। तो खाना तो ऑलमोस्ट बन ही गया है, दाल भी बॉयल हो गया है, बस चौक लगाना है और पापा को और सौरभ को खाना सर्व कर दूँगी। तो टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, पापा और सौरभ अभी निकलेंगे, पापा यहाँ पे लंच कर रहे हैं अभी, और सौरभ का लंच ऑलरेडी हो गया है, वो यहाँ पे बैठा है, अभी रेडी होगा, रेडी होके फिर निकल जाएंगे दोनों मिलके। आलू पोस्तो है आज, आर की बाबा कैमन है बोलो रान्ना कर लो। आलू पोस्तो, अंडा, अंडा कड़ी, करेला, फ्राई, भुजिया, फ्राई। बहुत अच्छा लग रहा है। नमक ठीक है? नमक ठीक है, अच्छा लग रहा है, हमको अच्छा लग रहा है, और हम खुशी से हॉस्पिटल जा रहा है, काहे हमको खुशी में कोई नहीं, पापा हमेशा खुशी रहते हैं, पापा हॉस्पिटल जाते हैं उसमें भी पापा का हैप्पीनेस पापा ढूंढ लेते हैं, है ना पापा। सौरभ निकल गए हैं हॉस्पिटल के लिए, और मैं और मम्मी अभी तक हमारा लंच हुआ नहीं है, मैं अभी नहाने जाऊंगी, मम्मी तो सुबह नहा लेती हैं, मैं अभी जाऊंगी नहाने, नहा के आने के बाद फिर करेंगे हम लोग लंच। और उससे पहले एक बार जाऊंगी मैं रितेश भैया और शर्मिता के घर, क्योंकि अंकल आज घर वापस जा रहे हैं, क्योंकि अंकल का ना अभी तबीयत थोड़ा सा ठीक है, सुबह मुझे फ़ोन करके बोले थे वो लोग। देखिए मैं फिर से बालकनी में आ गई, पता नहीं ये हवा ना मैं छोड़ ही नहीं सकती, रूम में मेरा मन ही नहीं टिक रहा है, मैं किचन में खाना बना रही हूँ फिर भी भाग भाग के मैं जा रही हूँ बालकनी में कि थोड़ा सा हवा खा के आती हूँ। एनीवेज अंकल मुझे सुबह के टाइम पे फ़ोन किए थे कि मैं आज वापस जा रहा हूँ, तो अगर पॉसिबल होगा तो एक बार आके मिल के जाना, क्योंकि उनको भी पता है ना कि मैं आज बिज़ी हूँ, पापा के इंजेक्शन है ये वो लेके सब कुछ, मैं हम लोग आज बहुत ज़्यादा बिज़ी है। तो मैंने अंकल को बोला कि अंकल आप चिंता मत करो, मैं जितना भी बिज़ी रहूँगी
आप जा रहे हो, मैं एक बार मिलने ना आऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता, तो मैं डेफिनेटली आपसे मिलने आऊँगी। तो पापा निकल जाए उसके बाद फिर मैं आती हूँ आप लोगों से मिलने। तो अंकल का फ्लाइट है शाम को 5 बजे या 4:45 बजे ऐसा है। और अंकल का थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम तो नहीं बोलूँगी, वो होता है ना कुछ मेंटली कि नहीं 5 बजे अगर फ्लाइट होगा तो मैं 1 बजे से जाके एयरपोर्ट में बैठी रहूँगी, अगर 3 बजे ट्रेन होगा तो मैं 1 बजे से जाके प्लेटफॉर्म में बैठी रहूँगी। तो अंकल का भी थोड़ा सा वैसा है, जो कि मेरे मम्मी पापा का भी है। मेरे मम्मी पापा का अगर फ्लाइट जितने बजे होता है ना उससे 4-5 घंटा पहले जाके एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। तो अंकल का भी थोड़ा सा ऐसा है। तो अंकल बोल रहे हैं मैं 1 बजे तक निकल जाऊंगा घर से, जो कि यहाँ से यानी हमारे घर से एयरपोर्ट सिर्फ आधा घंटा का डिस्टेंस है, आधा घंटा या मैक्सिमम 35 मिनट्स टू 40 मिनट्स, इससे ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं। नीचे ना सारे बच्चे खेल रहे हैं, क्लाउडी वेदर है ना, तो यहाँ पे सीढ़ी पे सारे बच्चे खेल रहे हैं तो वो लोग चिल्ला रहे हैं। तो वही तो अंकल बोल रहे थे 1 बजे तक निकल जाएंगे, तो मैंने बोला कि इतना जल्दी निकलने का कुछ है नहीं, आप थोड़ा सा आराम से खाना पीना खा के थोड़ा सा रेस्ट करके उसके बाद ही जाना। तो पापा अभी निकल गए वो लोग, तो मैं फटाफट से नहा लेती हूँ क्योंकि उनको मिल के आऊँगी, फिर घर आके नहाऊँगी, फिर खाना खाऊँगी, लंच में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए मैं फटाफट से नहा लूँगी। नहा के मैं अंकल को यूँ मिल के आ जाती हूँ। पता नहीं अंकल शायद अभी कुछ ही दिन में इलेक्शन ख़त्म होने के बाद मोस्ट प्रोबेबली वापस आ जाएंगे या फिर नहीं आएंगे, आई डोंट नो। और सुबह से जो हवा चल रही थी ना वो अभी कुछ ही देर पहले बिल्कुल हवा तो अभी भी चल रही है लेकिन और क्लाउड नहीं है, क्लाउड सारा हट गया है। सौरभ वही बोल रहा है कि देखा मैंने बोला था कि क्लाउड सारा हट जाएगा और बारिश नहीं होगा, पता नहीं उसने उसको कैसे पता है इतना सब कुछ वेदर के बारे में। तो देखिए क्लाउड सारा हट गया है, मतलब थोड़ा थोड़ा अभी भी है लेकिन सारा क्लाउड डिवाइड होके अलग अलग हो गया है और बारिश नहीं हुआ, और ऊपर से इतना ज़्यादा अभी गर्मी लगने लगी है। हवा तो चल रही है लेकिन अभी ना गर्म हवा आने लगी है, बहुत ज़्यादा अभी गर्मी फील हो रहा है मुझे। तो मैं जाती हूँ फटाफट से नहा के आती हूँ और फिर अंकल से मिल के आती हूँ। तो अंकल भी चले गए और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर हमारे घर। अंकल काफ़ी अच्छे थे, अंकल के साथ ना गप्पे मारना बहुत अच्छा लगता है। मैं ना इवन ड्रेस चेंज करने की भी मुझे टाइम नहीं मिली, मैं जल्दीबाजी में भाग के जैसे फोन आया कि हम लोग नीचे हैं निकल रहे हैं, बस एक दुपट्टा ले लिया नाइटी के ऊपर और नाइटी पहन के मैं आ गई। क्या करूँ, नहीं तो फिर मिल नहीं पाएंगे ना, क्योंकि उन लोगों का कैब भी खड़ा था। इतना गर्मी है ना, देखिए मेरे पसीना पसीना हो गई हूँ मैं। अभी करूँगी लंच, मम्मी वेट कर रही है मेरे लिए, मम्मी और मैं हम दोनों लंच करके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। पता नहीं बैंगलोर में इतना ज़्यादा गर्मी, मैंने तो इससे पहले कभी सुना नहीं था कि बैंगलोर में इतना ज़्यादा गर्मी होती है। एक्चुअली मैं इससे पहले जितने बार भी आई हूँ ना, एक दो बार, उस टाइम पे वेदर काफ़ी अच्छा था, इसी बार देख रही हूँ कि इतना ज़्यादा गर्मी है, पता नहीं बारिश कब होगी। मैं तो सिर्फ बारिश के लिए वेट कर रही हूँ कि बारिश हो जाए तो थोड़ा सा ठंडक मिलेगा। अभी थोड़ी सी रेस्ट लूँगी, मम्मी को भी बोलूँगी थोड़ी सी रेस्ट लेने के लिए, क्योंकि मम्मी आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है। पूरा सुबह से आज मम्मी सिर्फ टेंशन ही टेंशन कर रही है। नहीं सच बोलूँ तो टेंशन तो मुझे भी बहुत था, इवन अभी भी है। सौरभ भी बहुत टेंशन में है और पापा का तो छोड़ ही देते हैं। पापा बाहर से दिखाते हैं कि बहुत चिल टाइप के हैं लेकिन अंदर से पापा बहुत ज़्यादा टेंशन करते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करते क्योंकि पापा ऐसा बोलते हैं कि अगर मैं अपना टेंशन एक्सप्रेस करूँगा तो फिर सब लोग टेंशन में आ जाएंगे, यानी मैं मम्मी सौरभ सब लोग। इसलिए पापा अपना टेंशन एक्सप्रेस नहीं करते हैं, दबा कर रखते हैं अपने अंदर, जो कि सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ है। लेकिन मैं फील कर पाती हूँ कि नहीं पापा टेंशन में है, क्योंकि मैं भी खुद ही ऐसी करती हूँ ना, जैसे मम्मी के साथ अभी मैं अकेली हूँ घर पे, तो मम्मी को मैं देख रही हूँ कि मम्मी पूरा टेंशन में ना मुँह एकदम जिसे बोलते हैं बंगाली में बांग्लार पाँच, मम्मी पूरा वैसे करके बैठी है। तो मम्मी को मैं संभाल रही हूँ ऐसे बोल बोल के कि नहीं नहीं अभी इतना टेंशन मत करो। मैं मम्मी को टीवी ऑन करके दे रही हूँ कि आप टीवी देखो बैठ के, लेकिन मम्मी कुछ किसी भी चीज़ से मम्मी का माइंड डाइवर्ट नहीं हो रहा है। मम्मी सिर्फ यही टेंशन कर रहे हैं कि नहीं वो लोग गए हैं, जब तक नहीं वापस आते हैं तब तक थोड़ा सा टेंशन रहेगा। समझ सकती हूँ, टेंशन तो मुझे भी हो रहा है, समझ सकती हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं ना। तो अभी सौरभ फ़ोन किया था, पापा का इंजेक्शन तो हो गया और अभी एडमिट करके रखे हैं पापा को,
एक डेढ़ घंटा एडमिट करके रखना पड़ता है, उसके बाद एक बार यूरिन चेक होता है, उसके बाद फिर पापा को छुट्टी देते हैं। तो अभी मैं बालकनी में आके थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही है, और यहाँ पे जो मैंने कबूतर का घोंसला दिखाया था ना, उसमें फिर से दो अंडा, आज सुबह मैंने देखा कि दो अंडा वहाँ पे था, और अभी देख रही हूँ कि घोंसला गायब, पता नहीं कहाँ चले गए वो लोग। देखिए अभी घोंसला गायब, मतलब घोंसला तो बना हुआ है लेकिन उसमें कबूतर और नहीं है, इवन अंडा भी नहीं है। पता नहीं अंडा लेके कहीं पे चले गए वो लोग, या फिर अंडे से बच्चा निकल के आ गया और उड़ के कहीं पे चले गए, आई डोंट नो। सुबह के टाइम पे देखा था और अभी गायब हो गया है। तो अभी मैं जाऊंगी, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी मम्मी के साथ ही, अभी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगी, क्योंकि मम्मी को मैं बोल रही हूँ कि लंच के बाद थोड़ा सा सो जाओ, तो फिर माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, लेकिन मम्मी सो भी नहीं रही है। तो देखते हैं, मम्मी के साथ थोड़ी सी गप्पे वप्पे मारूंगी ताकि मम्मी का थोड़ा सा मन हल्का लगे। और सौरभ और पापा तो मोस्ट प्रोबेबली 5:30 से 6 बजे तक वापस आ ही जाएंगे, और उसके बाद फिर सौरभ का जो ऑफिस भी है वर्क फ्रॉम होम है, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन वही न्यू जॉब है ना, अगर बाई चांस लेट हो जाता है या फिर कुछ, तो सौरभ तो वैसे इन्फॉर्म कर दिया है ऑलरेडी HR को कि जाने में थोड़ा सा अगर लेट हो जाता है तो लेट लॉगिन करेगा, लेकिन फिर भी वही न्यू जॉब है इसलिए थोड़ा सा टेंशन का है। वैसे इतना लेट तो होना नहीं चाहिए, लेकिन वही वीकडेज है ना, अगर रास्ते में जैम होगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे ना बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ये सामने वाली बिल्डिंग में, तो इसलिए थोड़ा सा बाहर का बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है। पापा और सौरभ तो शाम के टाइम पे घर वापस आ गए थे, 6:30 बजे छोटा पड़े उस ना 6 बजे के बाद ही आए हैं वो लोग। और अभी मैं सारे कपड़े वगैरह सब कुछ धो रही थी वॉशिंग मशीन में, क्योंकि वही होता है ना हॉस्पिटल से अभी इस टाइम पे आने के बाद बहुत ज़्यादा, मतलब एक्स्ट्रा कुछ प्रिकॉशंस हमें लेना पड़ता है, एक्स्ट्रा सेफ्टी हमें मेंटेन करना पड़ता है। तो सारे कपड़े डेटॉल सर्फ एक्सेल सब कुछ डाल के मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया है ताकि वो अच्छे से वॉश हो जाए। और मोबाइल फ़ोन, पर्स, बेल्ट, जो कुछ भी था, बैग जिसमें पेपर्स वगैरह है, सब कुछ अच्छे से सैनिटाइज कर दिया है। वाटर बॉटल जो कुछ भी वो लोग लेके गए थे सारे सब कुछ। और अभी सौरभ लॉग इन किया है ऑफिस के लिए, लेकिन वही थोड़ा सा आज पूरा दिन टायर्ड है ना, तो थोड़ी सी अभी रेस्ट ले रही है, मतलब लॉग इन करके रेस्ट ले रहा है, जेंडर मिस्टेक अगेन। तो यहाँ पे अभी सौरभ लेटा हुआ है जो कि मैं दिखा नहीं रही हूँ, क्योंकि वो अभी बेयर बॉडी है, फिर बाद में खुद ब्लॉग देख के गुस्सा करेगा, बोलेगा कि तुम मुझे ऐसे क्यों दिखाते हो। लेकिन क्या करूँ, वो अगर ऐसे बेयर बॉडी रहेगा हमेशा तो वैसे ही दिखाना पड़ेगा ना, या तो फिर नहीं दिखाऊँ उसको, दो ही ऑप्शन है, या तो बेयर बॉडी दिखाऊँ या तो फिर ब्लॉग में उसको इन्वॉल्व ही ना करूँ। एनीवेज अंकल घर पहुंच गए हैं, घर पहुंच के अंकल कॉल भी किए थे, तो बोला कि सब कुछ सही था, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, अच्छे से घर पहुंच गए हैं। और हाँ, अंकल को थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, लेकिन आई होप कि अंकल बहुत जल्दी आ जाए। अंकल ना बहुत अच्छे, इतना बात करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है कि बहुत टाइप के बात करते हैं। और ये भगवान वगैरह को लेके अंकल का काफ़ी नॉलेज है, और काफ़ी अच्छे अच्छे अपने लाइफ के मेमोरी और एक्सपीरियंसेस सुनाते हैं कि उनके लाइफ में ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो वो सब कुछ सुनते हैं ना, तो बहुत अच्छा टाइम कटता है अंकल के साथ। तो अभी हाँ, अभी जैसे रितेश भैया और शर्मिता के घर जाएंगे ना, तो अंकल को थोड़ा सा मिस करेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग जाते थे सबसे पहले अंकल हमें वेलकम करते थे, अरे अरे आओ आओ, क्या खाना है, क्या पीना है, बताओ लंच में क्या किया, डिनर में क्या बना रहे हो, सुबह से क्या क्या किया, घर पे सब लोग क्या कर रहे हैं, सौरभ क्यों नहीं आया, तो इतना कुछ अंकल हमसे बातचीत करते हैं। तो वही अभी उनके घर जाऊंगी ना, तो थोड़ा सा अंकल को मिस करेंगे। लेकिन अंकल बोल रहे थे कि इलेक्शन एक बार ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली अंकल फिर से आ जाएंगे, देखते हैं। फिलहाल अभी मैं बनाने जाऊंगी डिनर, क्योंकि आज सब लोग बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, सौरभ भी बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, पापा भी बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, तो पापा भी अभी रेस्ट कर रहे हैं, नींद में नहीं है, बस ऐसे ही लेटे हुए हैं। और मेरे कपड़े भी सारे वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं, अभी मैं डाल दूंगी। अभी तो अंधेरा बाहर हुआ नहीं है, अभी भी सनलाइट है काफ़ी, लेकिन वही जल्दी जल्दी आज डिनर बना के ना हम लोग जल्दी खाना वाना खा के सो जाएंगे, क्योंकि सब लोग बहुत टायर्ड है, पापा तो मेंटली भी टायर्ड है, फिजिकली भी टायर्ड है। लेकिन चलो अच्छा हुआ कि सब कुछ अच्छे से हो गया है, दो इंजेक्शन पापा का लग गया, और अभी भी 4 इंजेक्शन लगना बाकी है, जो कि एवरी मंडे लगने वाला है, तो एवरी मंडे सौरभ पापा को लेके जाएगा इंजेक्शन के लिए। तो अभी मैं डिनर में क्या बनाऊंगी अभी तक कुछ फिक्स नहीं किया, एक बार सोच रही हूँ कि रोटी बनाऊँ, और एक बार सोच रही हूँ कल जो मैंने इडली बनाई थी ना, उस इडली का बैटर थोड़ा सा अभी भी है फ्रिज में, तो सोच रही हूँ कि उसको ख़त्म कर देते, क्योंकि काफ़ी दिन का हो भी गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि इडली तो नहीं बनेगा, जितना सा बैटर है उससे डोसा बन जाएगा, तो डोसा तो मेरा इतना अच्छे से होता नहीं है, आप लोग जानते हो, मैं बनाने जाती हूँ डोसा और बन जाता है चिल्ला, तो ठीक है चलो डोसा ही ट्राई कर लेती हूँ, पापा को एक बार पूछ लेती हूँ क्या खाएँगे।
अगर डोसा खाना पसंद करते हैं तो डोसा ही मैं बनाऊंगी। तो अभी चलते हैं किचन में। डिनर में बना रही हूँ ऑनियन डोसा। तो इडली का जो बैटर कल का बच गया था ना, उसी में मैंने ऑनियन और ग्रीन चिली चॉप्ड करके डाल दिया है, और थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी जिंजर ग्रेट करके इसमें डाल दिया है, और थोड़ी सी नमक। तो इसको बनाऊंगी डोसा। गया है और डोसा तो आप लोगों ने देख ही लिया कि कैसा बना था। एक भी डोसा सही नहीं बना था, सारे चीला बन गया। इतना मोटा मोटा डोसा कैसा होता है ना, बिल्कुल क्रिस्पी पेपर जैसा, एकदम पतला सा, वैसा मेरा कभी नहीं होता। आज मैंने ट्राई किया, फिर भी टूटा वूटा कम आज, जैसे लास्ट टाइम जब मैंने बनाई थी ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टूट गया था, लेकिन आज टूटा कम है। टेस्ट तो बराबर था, उसमें मैंने थोड़ी सी ऑनियन भी डाल दी थी ना, तो टेस्ट बहुत अच्छा था। लेकिन हाँ, प्रॉपर डोसा नहीं बना, वो चीला ही बन गया था, मोटा मोटा जैसा बन गया था। एनीवे सौरभ भी काम कर रहा है ऑफिस का, और डिनर हमारा हो गया है। मम्मी पापा भी अभी सोने चले गए हैं, और अभी मैं भी जाऊँगी सोने। तो चलिए इस ब्लॉग को अभी यही पे एंड करते हैं, और कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए, स्माइल कीजिए। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलना, और लाइक कमेंट शेयर तो बनता ही है। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।